Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, in this video I am going to share with you guys Swiss Beauty High Coverage Foundation का review and demo. And guys, video में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मेरे channel पे नए हैं, मेरा video पहली बार देख रहे हैं, so make sure subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will notify when I upload a video. And guys, video पसंद आए तो video को like and share जरूर कीजिएगा. So guys, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी हाई कवरेज वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन. इसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग एंड प्राइस के बारे में. सो फ्रेंड्स, बात करें इसकी पैकेजिंग की तो कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है. ये आप देख सकते हैं, काफ़ी शाइनी शिमरी शाइनी सी गोल्डन पैकेजिंग में ये आता है. गोल्डन कार्डबोर्ड पैकेजिंग में यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा मेंशन किया गया है, हाई कवरेज वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी हमें मैंशन किया गया है. तो इसकी MRP यहाँ पर मैंशन की गई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पर मैंशन की गई है. इसकी जो MRP है वो ये है, MRP 399 में ये आता है. बट आपको ये ऑफर में इजीली 200-250 की रेंज में ये आपको इजीली मिल जाएगा. ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये आपको इजीली ऑफर में मिल जाएगा. और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जून 2021 एंड इसे हम यूज कर सकते हैं मई 2025 तक हम इसे यूज कर सकते हैं. सो काफी लॉन्ग टाइम तक इसे यूज किया जा सकता है. एंड फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि एक बेस्ट बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है. इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है. एंड गाइस, शेड जो नंबर है वो 06 है और शेड नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है मीडियम बेज. सो यहाँ ये शेड नेम मेंशन किया गया है. बात करें इसकी इनर पैकेजिंग की तो कुछ इस तरीके की इनर पैकेजिंग में आता है. काफ़ी अच्छी इनर पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी स्टडी है, ऐसे फ्लिम्जी सी पैकेजिंग में ये नहीं आता है. और इनर पैकेजिंग में आपको ये शेड कुछ इस तरीके से मिलता है. गाइज, आप ये देख सकते हैं, ये 06 मीडियम बेज जो शेड है वो कुछ इस तरीके से ये हमें मिलता है. इस तरीके का ये शेड है, आप ये देख सकते हैं. और ये गाइज, यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, आपका शेड नेम और नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड गाइज, कैप जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे ईजिली निकल जाने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छे से ये बंद हो जाने वाली कैप है. एंड गाइज, फाउंडेशन में पंप का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो काफ़ी मैसी हो जाता है फाउंडेशन यूज़ करना. एंड फ्रेंड्स, ये क्या क्या क्लेम करता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. आप देख सकते हैं ये क्या क्या क्लेम करता है, लाइक मॉइस्चराइजिंग एंड यहाँ पे BB क्रीम, लाइक स्किन फीलिंग परफेक्टली कंफर्टेबल, लाइक लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे दी गई हैं. क्या क्या क्लेम करता है ये भी आप देख सकते हैं. एंड गाइज, सबसे मेन जो ये क्लेम करता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है काफ़ी बोल्ड लेटर्स में, हाई कवरेज फाउंडेशन. सो ये कुछ ऐसा क्लेम करता है. सो गाइज, ये जो लुक है ये मैंने इसी फाउंडेशन को यूज़ करके क्रिएट किया है, वो भी आप डेमो में आगे देख पाएंगे कि ये किस तरीके की कवरेज देता है, कैसा ये वर्क करता है. गाइज, क्लोजर लुक में आप इसकी पैकेजिंग एंड डिटेल्स वगैरह सब देख चुके हैं. गाइज, मैं बात करूँ इसके, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इसे जब अप्लाई किया था वो अब आप आगे डेमो में देख भी पाएंगे कि ये कैसा वर्क करता है. फिर भी गाइज, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये क्लेम करता है हाई कवरेज फाउंडेशन, बट गाइज ये प्रोवाइड करता है शेयर टू मीडियम कवरेज ये प्रोवाइड करता है. एंड गाइज, आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा. बिल्ड करने के बाद भी ये आपके डार्क स्पॉट्स और अगर आपके स्किन पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो उसको ये इतनी ज़्यादा कवर नहीं करता है. आपको इसे लेयर अप करना पड़ेगा ज़्यादा पिगमेंटेशन के लिए. बट फिर भी अगर आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं तो वो आपके विजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के बाद भी. बट इसका फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इजीली ये इजीली ब्लेंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन ब्रश, दोनों से ही ये इजीली ब्लेंड हो जाता है. लेकिन अगर आपके स्किन ड्राई है तो ये आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन है, बिकॉज इसका जो फिनिश है वो ड्यूई फिनिश देता है, ये मैट फिनिश नहीं देता है. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है मेरी तरह, बिकॉज मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, सो आपको सेट करना पड़ेगा इसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से. मैंने भी इसे डेमो के टाइम पे कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट किया था तो वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था. तो वो आप अभी आगे देख पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है. सो गाइज, फॉर दिस प्राइस रेंज ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस अगर आपकी स्किन ड्राई है और ऑयली है, ये ओल्ड स्किन टाइप है. बट आप ये ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा जिनकी स्किन ड्राई है. ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा इसके साथ में उसको कॉम्पैक्ट वगैरह से सेट करना पड़ेगा या फिर लूज पाउडर से, तब जाके ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा आपके लिए.
एंड गाइज ये आपको लोकल मार्केट एंड ऑनलाइन स्टोर सभी जगह मिल जाएगा। ये ऑनलाइन आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल सभी जगह पे ये आपको मिल जाएगा। इस बात करो इसके शेड रेंज की, तो इसमें 6 शेड्स ही अवेलेबल है और ये डार्केस्ट शेड है इस रेंज का। ये मुझे सबसे डार्क लगा था, तो मैंने इसे अभी परचेज किया है। मुझे बाकी शेड्स जो थे इसके मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे सभी इसके सारे शेड्स थोड़े लाइटर लग रहे थे। एंड गाइज मेरी जो स्किन टोन है वो येलो अंडर टोन में है, बट ये जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो मुझे स्लाइटली सा पिंक अंडर टोन में लग रहा था, बट ये अप्लाई करने के बाद, इसको सेट करने के बाद, ये आफ्टर दैट ये अच्छा लग रहा था। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में ये आता है, बिल्कुल ज्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी। और जो ये शेड है ये कुछ इस तरीके का जो शेड है आप ये देख सकते हैं, शेड नंबर 6 मीडियम बेज, ये कुछ इस तरीके का शेड है और ये मेरी स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसे ब्लेंड करेंगे तो आप इसको ये देख सकते हैं, मैं इसको ब्लेंड करके भी आपको दिखा देती हूँ ये कैसा ब्लेंड होता है। ब्लेंड होने में ये ईजी है, ईजीली ब्लेंड हो जाता है, आप ये देख सकते हैं ब्लेंड इजीली हो जाता है, कोई भी पैचेस नहीं देता है, इजीली ब्लेंड है। थोड़ा ड्यूई फिनिश है, ये भी अभी आप देख भी सकते हैं थोड़ा ड्यूई फिनिश है इसका, मैट फिनिश नहीं है। गाइज अकॉर्डिंग टू क्लेम्स ये क्या क्लेम करता है, जैसे कि ये क्लेम करता है हाई कवरेज, तो हाई कवरेज तो ये डेफिनेटली नहीं देता है, शेयर टू मीडियम कवरेज ही ये देता है। सो वैसे ये अच्छा फाउंडेशन है, बट इसके क्लेम के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है, क्लेम के हिसाब से ये उतनी अच्छी कवरेज नहीं देता, बट वैसे ये अच्छा फाउंडेशन है फॉर दिस प्राइस रेंज। फाउंडेशन की मुझे एक चीज अच्छी ये लगी, ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बिल्कुल लिटिल बिट सा ऑक्सीडाइज करता है ये फाउंडेशन। तभी गाइज मैंने जैसे बताया कि मुझे पिंक टोन में लग रहा था, बट बाद में ये सेट हो गया था मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही। सो गाइज अब देख लेते हैं इसका एक डेमो। फ्रेंड्स जो भी स्किन केयर रूटीन है वो मैंने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। एंड गाइज फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये है एल्फ पट्टी प्राइमर। गाइज ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से पोर्स को फिलअप करता है। अगर आपके लार्ज पोर्स हैं और ऑयली स्किन है तो ये प्राइमर आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। एंड फ्रेंड्स फाउंडेशन को मैं वन साइड ब्लेंड करूंगी ब्रश की हेल्प से और अदर साइड में ब्लेंड करूंगी स्पॉन्ज की हेल्प से, सो दैट वी कैन चेक कि ये कैसा ब्लेंड होता है ब्रश की हेल्प से और स्पॉन्ज की हेल्प से। एंड गाइज मैं यूज कर रही हूँ ये है पूना स्टोर का ये स्पॉन्ज है, काफी अच्छा ये ब्यूटी ब्लेंडर है। एंड फाउंडेशन ब्रश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश। सो गाइज मैं बैक ऑफ हैंड पे ले लूंगी फाउंडेशन को, गाइज बस शेड अच्छे से मैच हो। ये क्लेम करता है ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, सो देखते हैं कैसी कवरेज ये प्रोवाइड करता है। ब्लेंड हो जा रहा है इजीली, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है। गाइज एज यू कैन सी ब्लेंड काफी अच्छे से हो जा रहा है, ये ब्लेंड होने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये कवरेज जो है वो क्लेम करता है कि ये हाई कवरेज देता है, बट गाइज ये ज्यादा हाई कवरेज मुझे नहीं लगता ये देता है, ये शेयर कवरेज देता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरे मार्क्स हैं एक्ने के, तो वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं क्लियरली। सो नाउ मैं इसको ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। गाइस मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं मुझे कोई ज्यादा इसमें ब्लेंडेबिलिटी में इसकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये कुछ ज्यादा अलग से वर्क करता है। मुझे सिमिलर ही लग रही है इनकी जो ब्लेंडेबिलिटी है दोनों की हेल्प से ही, विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और लिया है, हम बिल्ड करके देखते हैं ये बिल्ड हो पाता है या कैसा वर्क करता है। सो गाइस यहाँ पे मैं इसकी एक और लेयर अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं कि कैसी कवरेज प्रोवाइड करता है सेकेंड लेयर में।
सो गाइज आप देख सकते हैं सेकंड लेयर अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके की कवरेज प्रोवाइड करता है गाइज। ये है, मुझे ये फाउंडेशन शेयर टू मीडियम कवरेज में ही लग रहा है, ये हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। सो गाइज यहाँ पे मैं इसे सेट करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है। तो देखते हैं कैसा वर्क करता है कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद। कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये है मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ। सो गाइज एज यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे ये अभी मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है, ये काफी अच्छे से मैट फिनिश दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको अभी भी ड्यूई फिनिश दिख रही होगी, एक शाइन दिख रही होगी फेस पे, बट कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद ये काफी अच्छा लुक दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस साइड। सो गाइज मैं अपना मेकअप कम्प्लीट करके आपको मिलती हूँ वापस। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज अपने सजेशंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।